रश्मि किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आलू की कुरकुरी टिक्की बनाना बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आलू की कुरकुरी टिक्की बनाना। ये देखें, यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू लिया हुआ है। इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ, जिससे कि ये इसके बीच में कोई गुठलियां ना रहे और ये मैश अच्छे से हो सके। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से अब इसमें मैंने मिक्स कर लिया है कि मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर और उसके बाद मैं इसका इस तरह से गोल गोल टिकिया बना ले रही हूँ, जिससे कि ये चिपके नहीं। इस तरह से मैंने टिकिया इस तरह से बना लिया है। मैंने तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा अब गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। ये मैंने टिकिया जो बनाया है, ये मैं फ्राई होने के लिए इसमें डाल दे रही हूँ। और इसको क्रिस्पी होने तक मैं इसको सेक ले रही हूँ। ये देखिए, नीचे से अब ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको पलट दे रही हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी। ये देखिए, कुरकुरी टिक्की सिककर तैयार हो गई है। ये देखिए कितना कुरकुरी है। अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, कुरकुरी टिक्की बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सभी में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।